निश्चित रूप से राहुल गांधी ने एक बहुत ही गलत काम किया है, और जिस प्रकार से उन्होंने बचपना दिखाते हुए रेप पीड़िता की आइडेंटिटी को उजागर करने का काम किया है, ये आपत्तिजनक ही नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और उसके कारण उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम किया। जब ट्विटर उनके हैंडल को ब्लॉक करता है, उनकी पार्टी के हैंडल को ब्लॉक करता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती है। और उसका कारण क्या है कि आपने एक रेप पीड़ित महिला की आइडेंटिटी को उजागर किया, आपने संपूर्ण महिला समाज का अपमान किया। इस देश की ये संस्कृति नहीं है, आमतौर पर ये परंपरा नहीं है। आमतौर पर ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी रेप पीड़ित महिला की आइडेंटिटी को उजागर ना किया जाए, पर राहुल गांधी ने जो हरकत की है उससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम हुआ है। और ट्विटर ने जिस प्रकार से उनके अकाउंट को ब्लॉक किया है, ये बहुत बड़ा मामला है। इससे निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में का नाम बदनाम हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात जाएगी कि राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी का राष्ट्रीय नेता इस तरह के बचपने के काम करता है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने एक गलत काम किया।